आज हमारी कैलेंडर की क्लास 3 है, और ये क्लास देखने से पहले आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 1 और क्लास 2 देख लीजिए, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा रिपीटेड ईयर्स का कॉन्सेप्ट, रिपीटेड ईयर्स का कॉन्सेप्ट। चलिए, रिपीटेड ईयर्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई पर्टिकुलर ईयर है मेरा, इस ईयर में अगर मैं बोलता हूं 1 जनवरी को मंडे है, इसका मतलब इस ईयर के बाद अब कितने टाइम पीरियड के बाद वो पर्टिकुलर ईयर रिपीट होगा जब वापस से 1 जनवरी मंडे होगा। क्योंकि तो अगर किसी 2 ईयर्स का फर्स्ट डे मंडे है, इसका मतलब पूरे का पूरा कैलेंडर रिपीट होगा। एक्सेप्शन क्या है कि दोनों के दोनों ईयर्स एक तो आपके लीप ईयर होंगे तब, या दोनों के दोनों ऑर्डिनरी ईयर होंगे। अगर दोनों के दोनों ऑर्डिनरी ईयर्स में 1 जनवरी मंडे है, इसका मतलब पूरा कैलेंडर सेम होगा। और अगर दोनों के दोनों लीप ईयर्स में 1 जनवरी आपका मंडे है, तो पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है, अब लीप और ऑर्डिनरी में क्यों नहीं हो रहा, तो 50-80% लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने जो बात बोली है उसका मीनिंग क्या है। लेकिन जिन लोगों को नहीं समझ में आया उनको थोड़ा सा अभी आगे समझाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे रिपीट ईयर्स। तो पहले, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे, जो ट्रिक्स आपको, जो पॉइंट्स आपको लास्ट में याद रखने हैं, उससे पहले आप समझ लो कि वो पॉइंट्स आए कहाँ से हैं। तो आपको कभी भी वो जो चीज याद रखनी पड़ती है उसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे एंड देन उसके बाद पॉइंट्स जो आपको एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखने। चल देखो, मैं आपके सामने कोई 4 ईयर्स का टाइम पीरियड लेता हूँ, और फिर आपको पता है कि वो 4 ईयर्स बाकी एक जैसे रहते हैं, मतलब रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो आपके सामने पहला ईयर लेता हूँ मैं, 1995, 1996, 1997, 1998। ठीक है, ये 4 ईयर्स मैंने आपके सामने लिए, 1995, 1996, 1997 और 1998। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करेंगे ईयर 1995 की। ठीक है, तो हम 1995 की बात करते हैं कि 1995 का जो कैलेंडर है, ऐसा सेम कैलेंडर कौन सा पर्टिकुलर ईयर में आएगा। मतलब क्या है सेम कैलेंडर का? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर कैलेंडर आपका सेम टू सेम होना चाहिए। पहली चीज आप लोग यहाँ पर नोट कर लेना कि आपका जो लीप ईयर है एंड आपका एक ऑर्डिनरी ईयर है, इन दोनों के कैलेंडर कभी सेम नहीं हो सकते। रीजन भी, अगर आप सेम भी होते हैं तो सेम कहाँ तक होगा? 1 जनवरी से लेके 28 फेब तक। ठीक है, क्यों? अगर आप लीप ईयर की बात करोगे तो लीप ईयर में 28 फेब के बाद आएगा 29 फेब, और ऑर्डिनरी ईयर में 28 फेब के बाद आएगा 1 मार्च। इसलिए यहाँ पर आके वो कैलेंडर वापस से फिर चेंज हो जाएगा दोनों का। इसलिए कभी भी लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर के कैलेंडर सेम नहीं हो सकते। कैलेंडर हमेशा सेम होते हैं, या तो दोनों लीप ईयर के, या तो दोनों ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, चलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं 1995। ठीक है, इसके बाद जो आने वाला ईयर है 1996, आप बताइए उसमें कितने ऑड डेज होंगे? 2 ऑड डेज होंगे, तो 96 आपका लीप ईयर। नेक्स्ट 97, ऑड डेज कितने होंगे? 1। देन 98, ऑड डेज 1। 99, ऑड डेज 1। देन 2000, ऑड डेज होंगे 2। अगर आप यहां पर काउंट करते हो तो देखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आ जाता है। और 7 ऑड डेज का मतलब क्या है? रिमाइंडर 0। बट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 2000 नहीं है। आप यहाँ पर 7 काउंट करके 2000 मत कर देना, क्योंकि ये आपका ऑर्डिनरी ईयर है और ये आपका लीप ईयर है, और ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर का कैलेंडर कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो आपको फर्दर अपना प्रोसेस चालू रखना पड़ेगा। 2001, इसमें आपके ऑड डेज कितने होंगे? 1। 2000 टू और डेज होंगे 2, सॉरी 1। 2003 और डेज होंगे 1। 2004 और डेज होंगे 2। 2005 और डेज होंगे 1।
देन कम 2006 ऑर्डर्स होंगे आपके 1। अगर आप अब काउंट करते हो 7 यहां तक हो गया था, 8 9 10 12 13 14, और 14 आपका 7 का मल्टीपल है, या 14 का आप अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करते हो तो 14 में रिमाइंडर आता 0। इसका मतलब क्या है कि कैलेंडर ऑफ द ईयर 1995 एंड 2006 विल बी सेम। ठीक, समझ में आया पहला पॉइंट? अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगा, आपको बस वो ध्यान रखना है, बाकी कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से आ रहा है, क्यों है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। 1995 और 2006 का कैलेंडर आपका क्या होगा, सेम होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ईयर 1996। ठीक है, अभी मुझे फाइंड आउट करना है कि जो पर्टिकुलर ईयर हमारा 1996 है, जो इसका कैलेंडर है वो इसके जैसे कैलेंडर कितने टाइम पीरियड के बाद कौन सा पर्टिकुलर रिपीट करेगा। तो ध्यान ये रखना कि ये 1996 आपका एक लीप ईयर है, तो इसके जैसा ही अगर कोई ईयर आपको चाहिए तो वो लीप ईयर होना चाहिए। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, या तो 7 आए, लेकिन वो आए कब, लीप ईयर पे आए, या तो 7 का कोई मल्टीपल आए। ठीक, देखो 1997 odd days 1, 98 odd days 1, 99 odd days 1, 2000 odd days 2, 2001 odd days 1, 2002 odd days 1, 2003 odd days 1, 2004 odd days 2, 2005 odd days 1, 2006 odd days 1। काउंट करके देखना चाहो तो काउंट करके देख सकते हो आप यहाँ तक, देखिए 1 2 3 5 6 7। बेटा 2002 पे आपका 7 का मल्टीपल आया है, बट 2002 पे आपका 7 का मल्टीपल आया है, बट दिस कैन नॉट बी सेम एज 1996, बिकॉज 1996 इज अ लीप ईयर एंड 2002 इज एन ऑर्डिनरी ईयर। तो फॉरगेट इट, देन 8 10 11 12 आपको आगे काउंट करना पड़ेगा, 2007 1, 2008 2 9 1 10 1, 11 1 12 2 13 1 14 1 15 1 16 2। यहां तक काउंट कर लेते हैं, यहां तक हमने जो काउंट किया था वो हमारा 12 आया था, देखते हैं 13 देन 14 15, तो 14 तो आपका आ ही नहीं रहा, डायरेक्ट 15 आया, देन 16 17 18 20 21। अब आप देख लो यहां पर 21 आया है, और 21 आपका 7 का मल्टीपल होता है, बट 2013 इज एन ऑर्डिनरी ईयर एंड 1996 इज एन लीप ईयर, तो ये भी नहीं हो सकता, 2013 कैन नॉट बी योर आंसर। देन 21 22 23 24 25, तो यहाँ तक हमारा कितना काउंट हुआ है, 25, मतलब हमें या तो मल्टीपल 7 का मिला है, तो एक ऑर्डिनरी ईयर मिला है, नहीं तो हमें मिला ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे भी हमें फर्दर चार्ज रखना पड़ेगा हमारा प्रोसेस, 17 1 18 1 19 1 20 2। तो देखिए 25 26 यहाँ पर काउंट नहीं दे रहे थे, 26 27 28। अभी 2019 में आपका 28 आया है, बट फिर से वही बात, 2019 और 1996 आपके कैसे ईयर्स हैं, 2019 आपका ऑर्डिनरी और 1996 आपका लीप ईयर है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे देखते हैं, उसके बाद 21 1, तो मैं रूफ कर देता हूँ यहाँ से, 22 1 23 1 24 2। यहां तक हमने कितना काउंट किया था, 28 काउंट किया था, कोई दिक्कत नहीं, फिर 30 31 32 33 34 35। अब आप देखो कि 2024 को जब आपने काउंट किया तो यहां पर आया आपका 35, और 35 आपका क्या है, 7 का मल्टीपल है, गुड। 1996 और 2004 दोनों के दोनों कैसे हैं आपके, दोनों ही आपके लीप ईयर्स हैं। तो ध्यान देंगे कि 1996 का कैलेंडर
आपका कितने टाइम पीरियड का रिपीट होगा, 28 इयर्स के बाद जाकर रिपीट हो रहा है। ये फैक्चुअल है, ये फैक्ट की फैक्ट है आपका, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बट आया कैसे, क्यों, सब चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी, ठीक है। चलिए ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो एक बार इस सॉल्यूशन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है आप जब रिवीजन करते हो तो आपको फैक्ट तो समझ में आ जाएगा बट आप सोचोगे कि हुआ कैसे, तो उसके लिए आप एक बार को गोचरू पड़ सकते, आपको ये अप्लाई नहीं करना, आपको ये पॉइंट डायरेक्ट क्या रखना, ठीक। चलो 1995 देख लिया, अब हम देखते हैं 1997। ठीक है, तो 1997 की अगर मैं बात करता हूं तो देखते हैं इसका कमिंग ईयर कौन सा है, 1998 और डे 1, 1999 और डे 1, 2000 और डे 1, 2001 और डे 1, 2002 और डे 1, 2003 और डे 2। अगर आप यहां पर काउंट करोगे तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, तो 2003 और 1997 दोनों आपके ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं, वर्क करेगा हमारे लिए। और यहाँ पर जाके हमें 7 या फिर 7 का मल्टीपल मिल चुका है, इसका मतलब क्या है, 1997 में मैंने प्लस 6 किया तो 2003 और 1997 दोनों का कैलेंडर कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में कॉपी कर लेना, आपकी मर्जी, ठीक है। लास्ट हमने जो ईयर लिया था कौन सा, 1998 1 2001 2002 1 2003 2004 2, ठीक है, 2005 और डेज 1। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करने जाते हो तो देखो 1, 3, 4, 5, 6, आप 7 पे पहुंचे ही नहीं क्योंकि ये 8 हो गया एंड देन 9, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें कंटिन्यू रखना पड़ेगा, 6 पे 1, सिमिलरली मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, 7 में 1, 8 में 2, तो काउंट करेंगे तो कितना काउंट हो गया था, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 एंड 2009 में ऑर्डर्स कितने होंगे, 1। तो यहाँ पर आके 2009 में आपका काउंट कितना हो गया, 14, जो क्या है आपका 7 का मल्टीपल। और 1998 और 2009 दोनों ही आपके कैसे हैं, दोनों ही आपके ऑर्डिनरी ईयर से, तो यहाँ पर आपने क्या किया, प्लस 11 किया कैलेंडर रिपीटेशन की। तो बेसिकली आप यहाँ पर देखो, मैंने 4 साल आपको दिखाया है करके, और मैं उन्हें वापस एक बार रिवाइज करता हूँ आपके लिए। जैसे कि 1995 की मैंने बात करी थी तो 1995 और 2011 का 6 का कैलेंडर सेम था, तो यहाँ पर भी मैंने प्लस 11 किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमने कौन सा लिया था, 1996, यहाँ पर हमने प्लस 28 किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिया था आपका 1997, तो यहाँ पर हमने प्लस 6 किया था। नेक्स्ट हमने लिया 1998, तो यहाँ पर हमने प्लस 11 किया। तो बेसिकली हम लोग करके रहे हैं, या तो प्लस 6 कर रहे हैं, या तो प्लस 11 कर रहे हैं, या प्लस 28 कर रहे हैं। तो हमें ये तीन डिजिट या तीन वैल्यूज आपको याद रखनी है, और किस तरीके से ये पुट करना है तो वो मैं आपको अब पॉइंट वाइज बता दे रहा हूं, तो आप लोग उसको लिख सकते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, क्या है पॉइंट नंबर 1, If given year is a leap year, then add 28 to the given year to find the repeated year. Example पीछा भी मैंने क्या लिया था आपके लिए, for example हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, for example 1996, जिसका calendar repeat हुआ था 2024 में जाकर, ठीक। ये point number 1, हम बात करेंगे point number 2 की। क्या point number 2 आपका, If given year is not a leap year but the year previous to it is a leap year, then add 6 to it. For example, हमने आपका क्या example लिया था इस केस में? Example के लिए 1997, ठीक है? 1997, इससे पहले जो year था वो क्या था? 1996 था,
1996 आपका एक लीप ईयर था, तो 1997 क्या होगा, इसमें आप सिक्स ऐड कर दोगे तो 2003 एंड 1997 विल हैव द सेम करंट। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, ये मैंने आपका स्क्रीन किया है यहाँ पर, ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग। चल हम चलते हैं पॉइंट नंबर थर्ड की तरफ। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, पॉइंट वन एंड पॉइंट टू जो भी पीछे हमने बताया, डज नॉट सेटिस्फाई देन एड 11 टू इट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर ये देख सकते हो, मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया यहाँ पर, जैसे कि ईयर 1995, ठीक है, तो ईयर 1995 ना तो आपका लीप ईयर है, ना तो इससे पिछला ईयर 1994 आपका लीप ईयर है, तो इस केस में क्या है, हमने 11 ऐड किया, ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये था। उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल 1998 का, ना तो ये लीप ईयर है, ना तो इससे पिछला वाला ये 1997 लीप ईयर था, 1998 में भी हमने 11 ऐड कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो आपका एग्जाम्पल 1998, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आई होप आपको समझ में आए होंगे। वापस से एक बार रिपीट करता हूँ आपके लिए लास्ट टाइम, देख सकते हैं हम लोग एक बार वापस से। If the given year is a leap year, then add 28 to the given example, given year. हमने देखे काफी सारे क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। Next point, if the given year is not a leap year, but a year previous to it is a leap year, then add 6 to it, 1997. And then third point is, if point 1 and point 2 does not satisfy, then add 11 to it, for example, 1998. ठीक है, मैं कुछ examples आपके साथ discuss करूंगा, कुछ आपको questions दूंगा। ये क्वेश्चंस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना कि ईयर 2001, 2002, 2003 और 2004, ये जो ईयर्स हैं ये अब कब जाकर सेम कैलेंडर इनका रिपीट होगा, 2001, 2003 एंड 2004। आज की क्लास के लिए हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा, रिपीटेडिटी ऐसा कॉन्सेप्ट। अभी तक हम जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, आपको अगर अच्छे से समझना तो वापस से एक बार लेक्चर देखिए, और जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कैलेंडर को और अच्छे समझने के लिए पहले दो वीडियोस को जरूर देखें। नेक्स्ट क्लास में हम नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे कैलेंडर का, जो कि होगा कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर डेट पूछी जाती है विदाउट, आपको कोई पर्टिकुलर डेट पूछी जाती है विद रेफरेंस टू नो अदर डेट, मतलब कि जैसे कि आपको डायरेक्टली पूछ ले कि 15 अगस्त 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब वो पर्टिकुलर डे क्या था, क्या 26 जनवरी 1950 वो क्या डे था, तो डायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मेट है, क्या तरीका है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।